जुजुत्सु काइजन के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और आज अपन लोग बात करने वाले हैं सेवन स्टूडेंट सॉर्सरर्स के बारे में जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। ये रैंकिंग वीकेस्ट से लेकर के स्ट्रॉन्गेस्ट की है। जुजुत्सु काइजन के अंदर बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं और इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर चुनना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि कई सारे कैरेक्टर्स एक दूसरे में पावर के मामले में टक्कर में है। वहीं पर कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो कि एकदम गुजो जितने पावरफुल है लेकिन अभी तक एनिमे में बताए नहीं गए हैं और कुछ कैरेक्टर तो ऐसे हैं जो कि अभी भी मांगा वाले फेज में ही है। सो मैंने इस लिस्ट में मांगा के कैरेक्टर्स को भी लिया है। सो अ बिग स्पॉइलर बट स्टिल मैं उनका कुछ रिवील नहीं करूंगा, बस इतना बताऊंगा कि उनकी पावर कैसी है और वो कैसे पावर्स को यूज करते हैं और क्यों वो इतने ज्यादा स्ट्रांग है स्टूडेंट्स होकर के भी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 7 तागे इनुमाकी, ये सेकंड ईयर स्टूडेंट है टोक्यो जुजुत्सु हाई में। तागे एक सेमी ग्रेड 1 सोर्सरर है जो कि कर्स्ड स्पीच टेक्निक का यूज करता है जो कि जुजुत्सु काइजन के अंदर एक बहुत ही ज्यादा सीक्रेट टेक्निक है। ये टेक्निक इतनी ज्यादा पावरफुल है कि ये स्पेशल ग्रेड जैसे कि हनामी को भी सब्यू कर सकती है और इस टेक्निक के बारे में हमको ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है इस वक्त में, पर इतना पता है कि ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और इतनी स्ट्रांग है कि उसके यूजर्स पे भी कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस डाल देती है, जैसे कि तागे वर्ड्स को ढंग से नहीं बोल पाता क्योंकि अगर वो इस टेक्निक का यूज करे या ना करे वो ऑल टाइम ऑन रहती है और वो अगर नॉर्मल वर्ड्स को भी बोलने जाता है तो वो टेक्निक ऑन हो जाती है, इसीलिए वो कुछ अजीब वर्डों का यूज करता है लोगों से बात करने के लिए। नंबर 6 किरारा होशी, थर्ड ईयर टोक्यो जुजुत्सु हाई। इस कैरेक्टर के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ तक कि हमको इसका जेंडर भी ढंग से नहीं पता है, लेकिन इसकी अपीयरेंस से ऐसा लगता है कि ये एक फीमेल कैरेक्टर है। किरारा होशी 2 थर्ड ईयर स्टूडेंट में से एक है जो कि अभी तक हमको पता है कि थर्ड ईयर में 2 स्टूडेंट्स है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उनमें से एक है किरारा होशी। इसके ग्रेड की बात करें तो ये शायद सेकंड ग्रेड या फिर उससे भी ऊपर है। इसकी टेक्निक को एक्सप्लेन करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन साथ ही साथ में ये टेक्निक बहुत ज्यादा पावरफुल भी है। इस टेक्निक के बारे में इतना तो नहीं पता है कि ये कैसे काम करती है, लेकिन इस टेक्निक का यही तो स्ट्रांग पॉइंट है कि किसी को ये नहीं पता चल पाता है कि ये टेक्निक काम कैसे करती है। इससे पहले कि अपोनेंट को पता चले कि टेक्निक किस तरीके से काम कर रही है, किरारा उससे पहले ही उसको हरा देती है और यही इस टेक्निक का एक स्ट्रांग पॉइंट है। नंबर 5 यूजी इतादोरी, फर्स्ट ईयर टोक्यो जुजुत्सु हाई। यूजी इतादोरी के पास खुद की कोई कर्स टेक्निक नहीं है बट वो सुकुनो का वेसल है। सुकुनो जो कि गॉड ऑफ ऑल कर्सेस है और गोजो ऐसा बिलीव करता है कि इतादोरी का जो पोटेंशियल है वो मेगुमे के बराबर है या फिर उसके इक्वल है। अब क्योंकि इसके पास खुद की कोई कर्स टेक्निक नहीं है इसलिए भी मैंने इसको नंबर 5 पे रखा है और ये भी बात है कि इतादोरी के पास इस वक्त में कंप्लीट कॉम्बैट नॉलेज नहीं है, अभी भी वो चीजों को सीख रहा है और धीरे धीरे करके इम्प्रूव हो रहा है। नंबर 4 मेगुमी फुशिगोरा, फर्स्ट ईयर टोक्यो जुजुत्सु हाई। मेगुमी एक जीनियस है सोर्सरर्स के वर्ल्ड में। ये सबसे यंगेस्ट कैरेक्टर है जुजुत्सु काइजन के अंदर जिसने खुद का डोमेन एक्सपेंशन बना लिया है। मैं जानता हूँ कि वो अभी भी अधूरा है लेकिन एटलीस्ट उसने बना लिया है। कई सारे कैरेक्टर्स हैं जिनके पास अभी डोमेन एक्सपेंशन तक नहीं है और ये वन ऑफ द लेजेंडरी टेक्निक ये जेन क्लैन की टेन शेडो टेक्निक का यूज करता है जो कि सोर्सरर्स के वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। पावर के मामले में ये यूजो इतादोरी के बराबर या फिर उसके इक्वल ही है। नंबर 3 आई टोडो, ये थर्ड ईयर स्टूडेंट है कायोतो जुजुत्सु हाई में। ये कैरेक्टर वन ऑफ द स्मार्टेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है जुजुत्सु काइजन के अंदर और इसकी कर्स टेक्निक बुगी बुगी ये भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और जब ये अपनी स्मार्टनेस एंड साथ में उसकी कर्स टेक्निक बुगी बुगी को एक साथ यूज करता है तो ये वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट कैरेक्टर बन जाता है जुजुत्सु काइजन के वर्ल्ड में। इसके पास बहुत सारा कॉम्बैट एक्सपीरियंस और साथ में उस चीज के बारे में बहुत सारा नॉलेज भी है। इसके एक फाइट की बात करें तो इसने 5 कर्स स्पिरिट और 1 स्पेशल ग्रिड स्पिरिट को हरा दिया था। वहां पर 5 ग्रिड्स 1 स्पिरिट को हराने के लिए इसने उसकी कर्स टेक्निक का यूज तक नहीं करा था, ये इतना ज्यादा पावरफुल है, और सिर्फ स्पेशल ग्रिड को हराने के लिए इसने इसकी कर्स टेक्निक बुगी बुगी का यूज करा था। नंबर 2 केंजी हकारी, थर्ड ईयर स्टूडेंट टोक्यो जुजुत्सु हाई। ये कैरेक्टर के बारे में हमको ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इसकी कर्स टेक्निक और ये सब चीजें कैसे काम करती है। इसकी स्पेशल पावर इसके डोमेन एक्सपेंशन में है जहां पर सिर्फ डोमेन एक्सपेंशन ही इसको वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बना देता है क्योंकि इसके डोमेन एक्सपेंशन इसको ऐसी पावर देता है कि इसकी पावर हर बार बढ़ती जाती है। जितनी देर ये डोमेन एक्सपेंशन के अंदर रहेगा इसकी पावर डबल होती जाती है और गोजो ने ये भी कहा है कि ये व्यक्ति उसको फ्यूचर में आराम से सरपास कर सकता है। नंबर 1 योतो ओकोत्सु, सेकंड ईयर टोक्यो जुजुत्सु हाई। योतो वन ऑफ द 4 स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर्स में से एक है, यानी कि गोजो से सिर्फ एक नंबर कम। इसकी पावर की बात करें तो गोजो से सिर्फ थोड़े से ही नीचे आता है पावर के मामले में। इसकी स्पेशल एबिलिटी या फिर मैं कहूँ कर्स टेक्निक है कॉपी। ये किसी के भी कर्स टेक्निक्स को कॉपी कर सकता है और उनको यूज भी कर सकता है लेकिन सिर्फ स्पेशल कंडीशंस के ही अंदर। इसीलिए वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स और सुधा से वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है स्टूडेंट्स के मामले में।
इसके डोमेन एक्सपेंशन के बारे में ज्यादा नहीं पता कि वो कॉपी वाले डोमेन एक्सपेंशन का यूज करेगा यानी किसी और के डोमेन एक्सपेंशन का यूज करेगा उन्हीं से कॉपी कर करके या फिर उसका खुद का एक अलग डोमेन एक्सपेंशन है, इस बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। बस इतना पता है कि इसके अंदर भाई लिमिट तो है, लेकिन उसकी लिमिट इतनी बड़ी है कि ये कभी लिमिट को हिट ही नहीं कर पाता बहुत सारा कर्स पावर यूज करने के बावजूद। गोजो का ये भी कहना है कि ये आराम से मुझे सरपास कर सकता है। और जुजुत्सु काइजन के अंदर स्टूडेंट सॉर्सरर्स में ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर्स में से एक है। सो आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।